हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग ब्लॉग। आज है हमारा हैप्पी संडे। हैप्पी संडे इसलिए है क्योंकि आज हम जा रहे हैं संडे पर शॉपिंग करने। एक्चुअली मैंने तो काफ़ी शॉपिंग अपनी बेटी के साथ कर ली थी, पर मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की शॉपिंग रह गई थी। तो आज हम तीनों बाइक से ही जाएंगे शॉपिंग करने, क्योंकि सहारनपुर की कहते हैं आप ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, और कार से शॉपिंग करने जाएं अगर आप तो आप जाम में ही फंसे रह सकते हैं। इसलिए फाइनली हमने घर का सारा काम निपटा लिया है, घर का लोग बेटर लगा रहा है और अब हम शॉपिंग। आओ फ्रेंड्स, आपको भी दिखाते हैं आज हमने क्या क्या खरीदा। हम नेहरू मार्केट से होते हुए क्लॉक टावर जाएंगे। नेहरू मार्केट हम पहुंच चुके हैं और अब हम क्लॉक टावर में सबसे पहले जा रहे हैं कोलकाता बाज़ार। अब हम दिखाते हैं कि हमने कोलकाता बाज़ार से क्या क्या लिया, हमें यहाँ कुछ पसंद भी आता है नहीं। फर्स्ट फ्लोर पर तो लेडीज़ वेयर है, और ऐसा तो होता नहीं कि मैं अभी शॉपिंग करने आई हूँ मैं कुछ ना खरीदूँ। सबसे पहले मैं करूँगी अपनी शॉपिंग। अब मुझको लेना है एक टॉप, एक वेस्टर्न ड्रेस। अब मैं देखती हूँ मेरे को क्या पसंद आता है। वैसे भी जब आप हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने आ रहे हो, भले ही आपको कुछ ना लेना हो, पर फिर भी आप कुछ तो खरीदेंगे ही ना। तो मुझे लगता है क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ, कुछ शॉपिंग में अपने लिए कर लूँ। मैं देखती हूँ कि मुझे पसंद क्या आता है। ये मेरे को पर्स भी लेना है। मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे पर्स कुछ खास पसंद नहीं आए। हाँ, मैंने एक ड्रेस ली है, मैंने एक चप्पल ली है। अब हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पर, जहाँ पर मुझे अपने बेटे की और हस्बैंड की शॉपिंग करनी है। अब ये लोग देख रहे हैं कि इनको क्या क्या लेना है। ले लूँ ये वाली शर्ट तुम्हारे लिए है, और ये लगोगे ताकि देव तो बुरा मान गए। फ्रेंड्स, फाइनली कोलकाता बाज़ार में कुछ पसंद नहीं आया है। अब हम जा रहे हैं वी मार्ट। अब हम देखते हैं कि वी मार्ट में हमें क्या पसंद आता है। कोलकाता बाज़ार से सिर्फ मेरी शॉपिंग हो पाई है। हस्बैंड शॉपिंग करने आए हों और आपको कुछ ना लेना हो, आपकी बोरियत होती है। ये देखो, मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ। हम वी मार्ट में आए थे, पर यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला। हमें एक पर्टिकुलर ब्लैक कलर की पैंट लेने आए हैं बेटे के लिए, पर नहीं, यहाँ भी उसके साइज़ में उसकी पसंद की नहीं मिली। अब हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट। अब देखते हैं वहाँ हमें क्या मिलता है। छब्बीस साइज है। मुझे आज महसूस हो रहा है कि लेडीज़ को तो ऐसे ही बदनाम किया जाता है कि वो शॉपिंग करने में इतनी देर लगाते हैं। देखो, मैंने कितनी पहले अपनी शॉपिंग कर ली थी, बट मेरे हस्बैंड और बेटे को कुछ पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे ही जेंट्स हम लेडीज़ को बदनाम करते हैं कि शॉपिंग में देर लगाती हैं। फाइनली इन्हें कुछ तो मिला।